ग्वालियर में आज राजमाता विजयाराजे सिंधिया की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी सुपुत्री एवं पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने पुष्पांजलि अर्पित की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल भाजपा की कद्दावर नेता राजमाता विजयाराजे सिंधिया की पुण्यतिथि पर शिवराज सरकार की पूर्व मंत्री एवं उनकी बेटी यशोधरा राजे सिंधिया ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान ग्वालियर क्षेत्र के सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि राजमाता स्वभाव से अत्यंत उदार थीं। इस दौरान सिंधिया ने जब ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इसका निर्णय पार्टी आला कमान करेगा। राजमाता साहब का जन्म करना चाहते और उनका देहावस मौनी अमावस्या, तो लोगों का सोच यही था क्यों नहीं हम जिस दिन वो गए उसी दिन आज और तुम में शाही स्नान जैसे सब उनकी उनका व्यक्तित्व की जो जर्नी थी उसको कई बार हम लोग सब भटक जाते हैं अलग अलग अपने व्यस्तताएं में अपनी लाइफ हम अलग अलग हो जाते हैं। ये एक समय है जब हम सब ग्वालियरवासी सिर्फ पार्टी नहीं सिर्फ जीत सब लोग सोचें कि किस पड़ाव पे हमारी लाइफ में हम यहाँ आज आए और आगे के लिए क्या करना है। वो आधा घंटा 40 मिनटों के माध्यम से तो राजमाता साहब की प्रतिमा के सामने वो विचारधारा आ जाता है। चुनाव की डिसीजन हमारे हाईकमान करती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, तो वो ना आप इसके ऊपर कवायद लगाएं। और जहाँ मेरा सवाल है कि ये छठवां इलेक्शन हो रहा है, कुल मिलाकर यशोधरा राजे सिंधिया ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। बता दें कि राजमाता मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नींव मानी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ग्वालियर।